Negative 10, nothing further. Just see the canopy on the corner. Stand by. Mere ishare par. 3, 2, 1, go. Chalo. Ruk jao. Main is taraf dekhta hoon. Tum wahan nazar rakhna. Jab tak main ishara nahi karta, koi aage nahi badhega. Samajh gaye? Copy. Copy. Main aage badh raha hoon. कोई आगे नहीं बढ़ेगा, वरना मैं इसे जान से मारने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। तुम यहाँ से बच नहीं सकते। अब अपनी गन नीचे रख दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। अपनी गन नीचे रख दो, नाउ। बाहर में जाओ। मैं अंदर देखता हूँ। हिक्स। Clear! SWAT, हाथ ऊपर करके बाहर निकलो। पकड़ सकता तो पकड़ ले। इम्पोर्टेंट है और मैं भी सुपर एक्साइटेड हूँ। प्लीज एक बार वो कलर तो देखो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यू नो ना, आई लव कलर्स। ऑलराइट स्वीटी, लेकिन मेरी शिफ्ट खत्म होने तक मुझे टाइम दे दो प्लीज। ओके, अगर तुमने कलर चूज किया तो मैं तुम्हारे लिए उसी कलर का बेबी डॉल आउटफिट खरीदने वाली हूँ। आई बी वेटिंग फॉर यू। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इनमें से हर एक कलर को ध्यान से देखूंगा, ठीक है? पिंक शेड्स भी देखूंगा। ओके, जल्दी घर आ जाओ। ओके ओके, लव यू। आई लव यू टू। बाय। आई लव यू। ये सब जाने दो। वैसे आज के रेट के बारे में क्या ख्याल है? हमने उस लड़की की जान बचाई। ये हमने उनकी छुट्टी कर दी। ओह सॉरी, आ जाओ। Hey. Hi, Stacy. कैसी हो तुम? Hi. Good. Oh. Ooh. बाप रे क्रिस, क्या खिलाता है इसे? Shut up. अच्छा मजाक है। और क्या बोलता है? Sam, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, पर बहुत भूख लगी है। आज रात के क्राइम वॉच में 19 years old जानेट एंड्रयूज को ढूंढने की कोशिश आकर रंग लाई। लोकल पुलिस ने आज शाम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक अड्डे पर छापा मारा। तुम्हें ये पता था? ओह माय गॉड, हे जल्दी आओ, सैम टीवी पर है। ऑफिसर कटर और ऑफिसर हिक्स ने जानेट एंड्रयूज और बाकी लड़कियों को वहाँ से छुड़ा लिया। वहाँ गोलीबारी हुई जिसके आखिर में सारे किडनैपर्स मारे गए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तुम हमेशा अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? देखो, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, पर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो, और यू नो, अब पहले की तरह बात सिर्फ हम दोनों की नहीं है। मैंने ये जॉब इसलिए लिया क्योंकि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता था, यू नो, पर मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी।
अब हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कटो। जानता हूं। हम जल्दी ही मॉम डैड बनने वाले हैं। I know. और सच कहूं तो रोज सुबह जब तुम ड्यूटी पर जाते हो तो मुझे बहुत डर सा लगता है। तुम पास नहीं होते हो तो मुझे एक घबराहट सी होती है, लगता है जल्दी मेरे बाल भी सफेद हो जाएंगे। ओह माय गॉश, अगर तुम्हारे बाल सफेद भी हो गए तब भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करूंगा और तुम्हारे लिए दुनिया के बेस्ट हेयर डाई लेकर आऊंगा। अरे बात सफेद बालों की नहीं है काटो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन तो लो। मुझे कुछ नहीं होगा, ओके? ना कल ना फिर कभी। मैं आज रात घर आया हूँ, मैं कल रात भी घर आऊंगा और मैं जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। पता है क्यों? बिकॉज आई लव यू। तो मुझ पर भरोसा रखो, ओके? अब मैं क्या कह सकती हूँ? गुड, लेकिन अपना वादा मत तोड़ना। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। ओके। अरे ये कहां से आया? मुझे इसके बारे में सारी जानकारी चाहिए और 10 मिनट में सबको ब्रीफिंग के लिए बुलाओ। ओके मैम। ठीक है, सब कान खोल के सुनो, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। अभी थोड़ी देर पहले मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के LAX एयरपोर्ट पे उतरने की खबर मिली है। ये है डेमियन व्हाइट। व्हाइट एक्स स्पेशल मिलिट्री ऑफिसर था जो अब क्रिमिनल बन चुका है। पिछले 7 सालों से ये कहीं छुपा हुआ था, इसीलिए हम नहीं जानते कि अचानक सामने क्यों आया है। जाहिर है खबर बुरी है। पिछली बार इसने रॉ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की शिपमेंट इको टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन DELF को पहुंचाने का काम किया था और इसका नाम है निक कोस्लो। कोस्लो व्हाइट का राइट हैंड है, इसके धंधे संभालता है। तुम सब इन तीनों को तो जानते ही होगे। अब हमें इन तीनों पर 24 घंटे नजर रखनी है ताकि हम डेमियन को पकड़ पाएं। ये तीनों ब्लैक मार्केट में हथियारों के डीलर्स हैं, ये डेमियन से मिलने जरूर जाएंगे। अगर व्हाइट शहर में वापस आया है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों भी एक्टिव हो जाएंगे। हमारे पास और कोई जानकारी नहीं है और अंधेरे में तीर चलाना मेरा स्टाइल नहीं है। ऑलराइट, ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करो। लोकल खबरी, इसके पुराने साथी, इस वक्त शहर में फैलने वाली कोई भी खबर, मुझे सब जानकारी चाहिए। ओके, कॉन्टैक्ट्स को काम पर लगाओ, चलो इसे पकड़ते हैं। आप ठीक है मैम? तुम लोकल पुलिस को खबर करो और पुलिस कैप्टन को फोन लगाओ। यस मैम। ये है यूनिट 87। हमें तुम्हारे पोजीशन के नजदीक कुछ गड़बड़ी की खबर मिली है, क्या तुम वहाँ पहुँच सकते हो? हाँ, हम वैन नाइस बुलेवार्ड के कॉर्नर पे है और वहाँ पहुँच रहे हैं। 10-4 एन राउट। Thank you.
जिमी प्लीज। जिमी क्या? जिमी क्या? प्लीज वो गन नीचे रख दो। चुप कर, चुप कर, चुप कर। क्या कर रहे हो? चुप, 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 चुप कर, चुप कर। कटर और सैम, क्या तुम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हो? हमें अभी अभी एक कंप्लेन मिली है, जल्दी रिपोर्ट करो। ओवर एंड आउट। अच्छा एक बात बता, ये क्या है? क्या है ये? भाग रही थी ना? कटर और सैम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। मेरे पड़ोसी वैसे तो अच्छे लोग हैं, ठीक है, लेकिन मैंने अभी उनके घर से कुछ अजीब आवाजें सुनी। मेरी बात सुनिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। आपको क्या लगता है अंदर क्या हो रहा होगा? कैसी आवाजें आ रही थी बता मुझे, बता। मैं बस कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम से मिलने जा रही थी, ओके? सच बोल वरना। मैं बस इस वीकेंड उनसे मिलने वाली थी। किसके साथ भागने वाली थी तू? मैं कहीं नहीं जा रही थी, कहीं नहीं जिमी। किसके साथ चक्कर है? मेरा कोई चक्कर नहीं। तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? एक मिनट तू किसी के साथ है, एक मिनट किसी और के साथ। किसके साथ तेरा चक्कर है? बता क्या नाम है उसका, बता बता। प्लीज वो गन दूर रखो जिमी, मैंने कुछ नहीं किया। चल मुंह खोल। तुम क्या कर रहे हो? मुंह खोल अपना। करो। इसी मुंह से तूने उसको किस किया ना? मुंह खोल अपना। अभी के अभी। सर पहले आप शांत हो जाइए और मुझे बताइए क्या हुआ है। लेकिन मैंने नाम क्या है? घर से कुछ अजीब आवाजें सुनी। आपका नाम क्या है? वो रुको। क्रिस, मैं अंदर जा रहा हूँ। मेरी बात सुनो, रुक जाओ। नहीं, रुक जाओ। सैम अंदर मत जाओ। क्रिस चलो, हमें अंदर जाना ही होगा। मैं अंदर जा रहा हूँ। जिमी, जिमी प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मत मारो जिमी, प्लीज रुक जाओ। Hey, रुक जाओ, रुक जाओ। Thank you. कहाँ? उसका पीछा मत करो, बैकअप का इंतजार करो। मैं 8th और 9th स्ट्रीट के कॉर्नर पर हूँ, जल्दी बैकअप भेजिए। दिस इज ऑफिसर हिग्स, मेरा पार्टनर यहाँ पहुँचता ही होगा। सस्पेक्ट को गोली लगी है। गोलियाँ चली हैं, सस्पेक्ट जख्मी है, जल्दी मदद भेजिए। मैं इस वक्त डाउनटाउन लॉस एंजलिस के एक क्राइम सीन पर खड़ी हूँ। आज शाम को एक औरत को उसी के घर पर उसके बॉयफ्रेंड ने हॉस्टेज बना लिया था। पुलिस से बचने के लिए वो आदमी भाग निकला, फिर वो पुलिस की गोली का शिकार हुआ, जिसकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई है। ऑफिसर कटर और ऑफिसर हिक्स ने उस लड़की की जान बचाई है। हिक्स और कटर, अंदर आ जाओ अभी के अभी। बैठ जाओ। आज तुम दोनों ने जो स्टंट किया है, चीफ चाहते हैं तुम दोनों को इसी वक्त सस्पेंड कर दूं। कैप्टन, मैंने तुम्हें बोलने को कहा है तो शट अप।
ये मत समझना तुम यूं ही कुछ लोगों को बचाकर और सस्पेक्ट्स को गोली मारकर मीडिया में हीरो बन जाओगे और मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा। मैं तुम दोनों को प्रोटेक्शन डिटेल पर भेज रहा हूं। आज रात सेनेटर जेम्स एब्राहम्स के यहाँ एक बड़ी पार्टी है और उन्होंने उनकी वीआईपी की सुरक्षा के लिए दो पुलिस वालों की मांग की है और मैं तुम दोनों को ये आखिरी मौका दे रहा हूँ। आज से सेनेटर के साथ उनके वीआईपी को प्रोटेक्शन दोगे जब तक रिव्यू बॉडी से जनरल ड्यूटी के लिए क्लीन चिट नहीं देता। मुझे माफ कीजिए सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि मुझे इससे बेहतर काम के लिए यूज किया जा सकता है? जानते हो, तुम्हें अपने पार्टनर को हीरो बनाने की छूट देने से पहले यह सोचना चाहिए था। चलो अब मेरे कैबिन से बाहर निकलो। यस सर। हिक्स, अगर तुम रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे, यह बात समझ लो। कैप्टन रायन, वन मोमेंट, मैं कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। कैप्टन रायन, लाइन टू पर आपसे कोई बात करना चाहता है। यस कैप्टन रायन। To success. To life. तुम सब तैयार हो जाओ। Copy that. और इस काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? चलो किस दे दो। hey, सुनो, मैं आज डेट पर हूं तो सब रेडी है, शो टाइम। मैं अपने एजेंट्स के थ्रू सारी इन्फो भेज दूंगी। यप, दैट्स राइट, डेमियन व्हाइट। मैम, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ओके, बाद में बात करते हैं। बोलो क्या खबर है? मैम, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि हथियारों के गोदाम से बहुत बड़ी मात्रा में गन्स इस एरिया में लाए गए हैं। ठीक है, अच्छी खबर है। गुड वर्क। थैंक यू। ऑलराइट, कुछ एजेंट्स वहां भेजो। ओके, ठीक है। आईडीज चेक करना। सेनेटर अपने सारे गेस्ट के साथ नॉर्थ विंग में रहेंगे। लेकिन उन्होंने हमें साउथ विंग में खड़ा होने को कहा है और बाकी सबको नॉर्थ विंग में। मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि सेनेटर चाहते हैं उनकी पूरी टीम नॉर्थ विंग में रहे। आपने गैलरी सिक्योरिटी को यहाँ से बाहर क्यों भेजा? वो इस जगह को हमसे बेहतर जानते हैं। क्योंकि सेनेटर को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लगता है आज रात यहाँ शहर के सारे वीआईपी आने वाले हैं। हमारे सेनेटर की पहचान बहुत ऊपर तक है, उन्हें ऐसी बड़ी पार्टियां होस्ट करने का शौक है।
ओके, मुझे प्लान समझ आ गया है। हमें आने वाले गेस्ट के आईडी कार्ड चेक करने हैं, हम साउथ विंग पर खड़े रहेंगे और खड़े रह के तारे गिनेंगे और आप यहाँ धमाल करेंगे, करेक्ट? पार्टी शानदार रहेगी। तुम बस किसी का रास्ता मत काटना, इतना तो तुम कर ही सकते हो, कम ऑन। ओके, मैं समझ गया, हम यहाँ काम करने आए हैं, सवाल पूछने नहीं। तुम दोनों चौकन्ने रहना, मैं अब पार्टी में जा रहा हूँ, और कोई गड़बड़ मत करना। देखा तुम्हारी वजह से क्या हो गया? कैसे हो? पता नहीं तुम कब समझोगे। तो अब हमें पूरी रात चौकीदारी करनी है, प्लीज कोई गड़बड़ी मत करना। सैम तो मेरी बात सुन रहे हो? प्लीज सैम, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, मेरी तरफ देखो, मैं तो कह रहा हूँ सुनो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम कोई गड़बड़ मत करना बस। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें इस लड़की की पड़ी है? जरा इसे तो देखो। हम यहाँ ड्यूटी पे हैं और तुम फ्लर्ट करना चाहते हो। हेलो। हाय बॉयज, आप दोनों कैसे हैं? हम ठीक हैं, हाउ आर यू? ठीक हूँ। आप दोनों एंजॉय तो कर रहे हो ना? बिल्कुल, कोई शक नहीं, सब ठीक है मैम। अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, ड्रिंक्स खत्म हो चुकी हैं। हाँ। आप कुछ खाएंगे? श्रिम्प? ओह नहीं, थैंक यू, आई एम गुड। ओके, एंजॉय। थैंक यू, थैंक यू। ओके, हमें अब काम पर लगना चाहिए, कम ऑन, लेट्स गो। हिक्स, मैं वॉशरूम जा रहा हूं, तुम ध्यान रखना। यस सर। ध्यान रखना, हॉस्टेजेस को कुछ नहीं होना चाहिए, कोई चालाकी करे तो उड़ा देना। सब लोग जमीन पर सो जाओ, मैंने कहा सब लोग जमीन पर सो जाओ, ये कोई गेम नहीं है। शॉट्स फायर्ड, शॉट्स फायर्ड। कॉलिंस, दिस इज सैम, फिर से कहना। आई रिपीट, सिटी हॉल पर हमला हुआ है। सैम, कटर। कॉपी, कटर, नॉर्थ विंग पर गोलियां चली हैं, इस वक्त तुम्हारी पोजीशन क्या है? बताओ, तुम में से डॉक्टर लैंडिस कौन है? जल्दी मुंह खोलो, मुझे बताओ। डॉक्टर कहाँ है, मुझे बताओ। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं की तो ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे तुम सब ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो? तो तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो दोस्त? मैं ये दोबारा नहीं पूछूंगा। यू नो वॉट, सभी लोग अपनी ज्वेलरी, वॉलेट, सेलफोन्स इस बैग में जमा करो, अभी के अभी। जल्दी करो, अपनी जेबें खाली करो, सब बैग में डाल दो। कोई हीरो बनने की कोशिश मत करना, मेरी बात मानोगे तो जिंदा रहोगे, वरना सबकी लाश यहीं पड़ी मिलेगी।
बताओ तुम कौन हो? ए, तुम वो डॉक्टर हो ना? नहीं, मैं डॉक्टर क्या तुम वहां स्टेथोस्कोप छुपा रहे हो? कोई चला कि नहीं? मुझे बेवकूफ समझो क्या? तलाशी लो इसकी। मेरा पेशेंस सब खत्म हो रहा है। मैं ढूंढ करूंगा डॉक्टर लैंडिस कौन है। उसे मुझसे दूर मत ले जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? मम्मी, मेरा घबराओ मत। तुम्हारा नाम क्या है स्वीटहार्ट? डॉक्टर लैंडिस। तो तुम लैंडिस हो? मम्मी, वो लड़की वो तुम्हारी बेटी है ना? एक मां होकर तुम उसे ये क्या सिखा रही हो? तुम्हारी वजह से यहां सब मारे जाते हैं। लव यू। चुप रहो। तुम एक बहुत बुरी मां हो। बहुत ही बुरी। तुम इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकते। चुप कर। चुप कर वरना तुझे जान से मार दूंगा, समझ गया? मार दो। बोल रहा है? प्लीज उसे कुछ मत करो। निकलने की तैयारी करो, हम 30 सेकंड्स में यहाँ से निकल जाएंगे। लेट्स गो। खड़े हो जाओ। चलो सबको खड़ा करो। चल चल चल, उठ 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 उठ, चल हमें निकलना है। जल्दी पैर चलाओ, निकलो। कोई हमारा पीछा ना कर पाए, समझ गया ना बेवकूफ? हिलना मत। चल खड़े हो, खड़े हो। चल उठ जा, उठ जा, उठ बोला ना। सीधे खड़े हो। अपनी बंदूक नीचे फेंको। ए सुनो, जल्दी वहां से निकलो। कुछ तो गड़बड़ है। अपनी बंदूक फेंको। मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम यहां से निकल जाना। ओके? मेरा इंतजार मत करना, हम बाद में मिलेंगे। अपनी बंदूक नीचे करो, नीचे करो, जल्दी। कटा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। कटा जवाब दो, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जख्मी है। ये सांस नहीं ले रहा, मुझे पल्स नहीं मिल रही।
चारों तरफ खून फैला है। पीछे के कमरे से लड़की चीख रही है, वो हमारे फोन ले गए। नहीं, मुझे नहीं पता, इसकी सांस नहीं चल रही। मैं सा, क्या करूं? समझ नहीं आ रहा, मुझे इसकी पास नहीं मिल रही। तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो सांस नहीं ले रहा है। सैम, प्लीज सैम, यहाँ देखो। सैम, सैम प्लीज मुझे देखो। सैम मेरी तरफ देखो। सैम, 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 मुझे फोन दो, फोन दो। मैं ऑफिसर क्रिस कटो। हाँ, हम पर हमला हुआ है। हम इस वक्त सिटी हॉल में हैं। पता नहीं, शायद 4, 5 या 6 हमलावर हो सकते हैं। उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स है। इस वक्त पता नहीं वो कहाँ है। मेरे पार्टनर बहुत जख्मी है, पुलिस ऑफिसर, 25 years old। प्लीज प्लीज जल्दी से यहाँ मेडिकल टीम को भेज दो। प्लीज यहाँ दबा कर रखना, जोर से, जोर से। मेरी बेटी को बचा लो। चलाओ, वो लोग उसे लेकर गए। इस तरफ मैम, मेरी बेटी को बचा लो प्लीज। चलिए, मैम अभी एक खबर मिली है। बोलो क्या हुआ। सब यूनिट्स ध्यान से सुनो, सिटी हॉल पर हमला हुआ है। जल्द से जल्द वहाँ पहुँचो, हॉस्टेज सिचुएशन हो सकती है, सस्पेक्ट्स हमला कर सकते हैं। हमारी इंटेल के हिसाब से अंदर मिलिट्री ग्रेड गन्स हैं। मुझे सिक्योरिटी फुटेज दिखाओ। सब लोग जमीन पर सो जाओ, ये कोई गेम नहीं है। तुम में से डॉक्टर लैंडिस कौन है? एक मिनट, उसने अभी लैंडिस कहा क्या? सब लोग जमीन पर सो जाओ, ये कोई गेम नहीं है। तुम में से डॉक्टर लैंडिस कौन है? ऐसे कैसे हो सकता है? मॉम, यू मीन टू टेल मी कि लोकल पुलिस डेमियन वाइट से मिली हुई है? एनसीआईसी के अनुसार बोस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पेंसिल की जगह गन लेकर बड़ा हुआ है, और मेरे हिसाब से ये यूनिफॉर्म भी चोरी की है। निकोलस कॉजलो, इस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हथियारों की स्मगलिंग का आरोप है। ड्रग स्मगल करना, हथियार से जानलेवा हमला करना और किडनैपिंग भी। साथ ही इसके हथियारों की कंसाइनमेंट पकड़े जाने पर यह वहां से भाग गया था। डेमियन वाइट का बहुत पुराना साथी है। पर डेमियन की कोई खबर? नो मैम, बिल्कुल नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। एक मिनट रुको, ये कौन है? ये क्रिस कटर है मैम। ये हमारा आदमी है या उनका? हमारा ऑफिसर है। कटर 32 साल का है, LAPD स्वॉट में पहला साल है, पहले मिलिट्री में था। अफगानिस्तान में 3 साल सर्विस के लिए पर्पल हार्ट जीत चुका है। साउथ कैरोलिना में पैदा हुआ, वेस्ट पॉइंट से ग्रेजुएट हुआ। स्टेसी जेम्स से इसकी सगाई हुई है। काउंटी जनरल में ईयर नर्स है। ठीक है, स्ट्रीट कैमरे की सर्वेलेंस से इसे ढूंढ कर निकालो। इसके कार की लोजैक सिस्टम को ट्रैक करो और उसे फोन लगाओ। ओके मैम। एक इमरजेंसी अलर्ट है, सीनेटर एब्राम्स के चैरिटी गाला पर हमला हुआ है। गोली चलने की खबर मिली है, पता नहीं कितने लोग घायल हुए या यह हमला किसने किया है। ध्यान रखे, यहाँ से जाने वाले सारे रास्ते कुछ देर के लिए बंद किए गए हैं। आप दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और अब आपको सुनाते हैं इस हफ्ते का हॉट सॉन्ग, तो आप सुनते रहिए 1059 WWKY। Please pick up, please pick up. Hey, Kato, तुम ठीक तो हो ना? मैंने अभी न्यूज में सुना कि सिटी हॉल में कुछ लोगों की मौत हुई है, सो मैं... हाँ, जानता हूँ। तुम मेरी बात सुनो, अब घर जाओ, अपनी मॉम के घर जाओ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मुझे इसी बात का डर था, मैं तुम्हें नहीं खो सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मुझ पर भरोसा करती हो ना? तुम अभी इसी वक्त घर आ जाओ। आई लव यू, ओके? अब जल्दी से अपने मॉम के घर जाओ, प्लीज समझो। मैं तुम्हें जल्दी कॉल करूंगा। ओके, आई लव यू टू कटो।
मुझे वो मिल गया है। हाईवे पर वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। कटर लाइन पे आ गया है मैम। कटर, दिस इज स्पेशल एजेंट मेलनी हैमलिन। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें सीधे सेफ हाउस जाना है, जो एक सिक्योर लोकेशन पे है। हमारा एक एजेंट तुम्हें कोऑर्डिनेट्स इसी वक्त भेज रहा है। लेकिन मैम, पहले मुझे बताइए ये सब हो क्या रहा है। That's classified. तुम बस समझ लो कि तुम पर एक टॉप प्रायोरिटी एसेट की जिम्मेदारी है। डॉक्टर लैंडिस इंटरनेशनल बायोटेररिज्म डिवीजन की बहुत बड़ी ऑफिसर हैं और किसी भी हालत में उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों ने मेरे पार्टनर को गोली मारी और इनकी बेटी को किडनैप कर लिया है, इसलिए मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी है अभी। तुम्हें बस वही करना है जो तुमसे कहा गया है। मैं तुम्हारे सुपीरियर से कॉन्टेक्ट करूंगी और वो तुमसे बात करेंगे। ओके मैम। Alright, तो हमें हॉस्टेजेस की पूरी जानकारी मिलने में कितना वक्त लगेगा? एक या दो घंटे। गुड। और ये चेक करो कि क्लेयर लैंडिस पार्टी के गेस्ट लिस्ट पर थी या नहीं। अभी उन्हें लेने गाड़ी भेजता हूँ मैम। रुको, ये हमारा केस नहीं है। जब तक व्हाइट के इन्वॉल्व होने का सबूत नहीं मिलता, तब तक हम सिर्फ नजर रखेंगे। समझ गया मैम। मुझे एक कॉल आया, उन्होंने कहा वो मेरी कार रीरूट कर रहे हैं और सिटी हॉल में कुछ लोगों को होस्टेज बना लिया है। पता है चार लोग उनके कब्जे में हैं। आखिर ये लोग तुम्हारे ऑफिसर्स के नाक के नीचे से पार्टी में घुसे कैसे? हम कई ऑफिसर्स खो चुके हैं जिम, और हम इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तुम जानते हो पार्टी में कौन था? जानते हो? जानते हो अगर मीडिया को इस बात की खबर लगी तो क्या होगा? हम इस मामले में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो ये सिचुएशन कितनी नाजुक है। मेरी बात सुनो, हमारे टेक्नीशियंस ने हॉलवे में उसकी पहचान कर ली है। हम कुछ भी करके उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। मुझे यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। उन लोगों को भी आज ही हमला करना था, और कल मेरी कॉन्फ्रेंस है। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आधी अधूरी जानकारी पर केस सॉल्व नहीं कर सकते। Really? मैं चाहता हूं तुम ये मामला बिना किसी प्रॉब्लम के जल्द से जल्द रफा दफा करो। समझ गए तुम? मुझे तुम्हारी जरूरत है माइक। जानते हो प्रेस को पता चला तो क्या होगा? गेम ओवर। मैं कुछ ही महीनों में रिटायर हो जाऊंगा और ये सब अभी होना था। अनबिलीवेबल, ये मैं कहां फंस गया। तुमने तुम्हारी वीआईपीस की सुरक्षा के लिए दो पुलिस वालों को भेजने को कहा था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां टेररिस्ट अटैक होगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए माइक? जब तक वो कोई मांग नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारा प्लान है? हाथ पे हाथ रखकर बैठो और बस उनके कॉल का इंतजार करो। इस वक्त हम यही कर सकते हैं। I'm sorry. बस इतना ही? तुम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते माइक? रियली?
जूलियट ऑस्कर होटल नवंबर चार्ली यूनिफॉर्म टैंगो फॉक्स ट्रॉट इस तरफ आइए मैम आराम से मैम आराम से उसे राइट साइड के रूम में लेकर जाओ मिकेला आप फिक्र मत कीजिए आपके बेटी को कुछ नहीं होगा मैम ओके इस तरफ आइए मेरी बेटी कहाँ है मैम मैम प्लीज बैठ जाइए एक मिनट मैं पट्टी खोलता हूँ शांत रहिए जानता हूँ आपके लेवल का रूम नहीं है बेडशीट्स क्लीन नहीं है लेकिन फ्रेश टॉवल्स हैं 24 आवर्स पानी आता है कुछ चाहिए हो तो बता देना ठीक है कटर तुम यहाँ के रूल्स जानते हो सारी लाइन्स टैप्ड हैं अगर कुछ चाहिए तो दो बार नॉक करना प्लीज बताओ मेरी बेटी ठीक तो है ना उसे ढूंढने में मेरी मदद करो मैम आप प्लीज फिक्र मत कीजिए मैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा जॉन प्लीज हमारे लिए दो कप कॉफी और फोन लेकर आओ यस सर मेरी बेटी कहाँ है मेरी बेटी तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगी मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब भी दूंगी लेकिन उसे ढूंढने में मेरी मदद करो उसने पिंक ड्रेस पहनी थी वो पार्टी से सीधा अपनी दादी से मिलने और कुकीज बनाने जाने वाली थी मैं उसके बिना नहीं जी सकती प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो प्लीज प्लीज मैं प्रेग्नेंट हूँ मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करो आई लव यू मिकेला बेटा तुम कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना गेम के लिए तैयार हो कौन बोल रहा है हे कौन बोल रहा है कटर 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 हे तुम्हारी किस्मत खराब है जो तुम्हारा मुकाबला मुझसे है लेकिन क्या करें तुम्हारे पास वो चीज है जो मुझे चाहिए तो क्या तुम गेम के लिए तैयार हो मैंने पूछा गेम के लिए तैयार हो कौन सा गेम मैं कोई गेम वेम नहीं खेलने वाला यस सर्जेंट केन कटर आपसे कुछ बात करना चाहता है ये लीजिए केन मैं चाहता हूं तुम कौन बोल रहा है मैं किससे बात कर रहा हूं मेरे पास ऐसे चार लोग हैं जो अगले 24 घंटों में यहां से सही सलामत घर जाना चाहते हैं वो मरना नहीं चाहते तुम उन्हें मरने नहीं दोगे ना कटर तुम्हें तो बहुत बुरा लगेगा है ना लोगों की जान के साथ खेलना तुम्हारे लिए गेम है तुम चाहते क्या हो ए भाषण बंद सुन इस गेम के रूल्स मैं तय करूंगा ठीक है तू मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा ये काम मेरा है समझ गया तेरे पास वो चीज है जो मुझे चाहिए और मेरे पास 3 वीआईपीज और एक बच्ची है जो घर जाना चाहते हैं ओके मुझे लगता है कि हम दोनों में कोई समझौता हो जाएगा लेकिन तभी जब तू मेरी बात सुने तेरे पास पेन है तो चल जल्दी से गेम के रूल्स लिख ले पहला कोई भी मीडिया को खबर नहीं करेगा सुन लिया ना तूने और समझ भी लिया होगा ऐसे ही सुनता रहे देखा कितनी शांति है मैं चाहता हूं शांति बनी रहे दो तू ये बात किसी को नहीं बताएगा और उसकी मदद नहीं लेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एफबीआई वाले मेरे घर पे आए अगर आ गए तो सब लोग मारे जाएंगे तेरे दोस्त की तरह ठीक है ना मेरी बात सुन ले गंदी नाली के कीड़े मैं कसम खाकर कहता हूँ जिस दिन तू मेरे सामने आ गया तुझे गोली मार दूंगा समझ रहा है ना एक बात सुन ले गधे के बच्चे ज्यादा उड़ मत तू कोई फायदा नहीं है तीसरा एक प्लेन मुझे एक प्लेन चाहिए मिड साइज का कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं टैंक फुल होना चाहिए बिल्कुल बॉन्ड मूवीज की तरह देखी होगी ना तूने और आखिर में मुझे 10 करोड़ चाहिए सुना ना मुझे $10 करोड़ चाहिए मैंने क्या मांगा एक प्लेन और 10 करोड़ बस
इतना भी नहीं कर सकता, ये तो तुझे करना ही पड़ेगा, है ना? चार लोगों की जान की कीमत इतनी तो है ही। और हाँ कटर, मैं एक बात बताना भूल गया, इस वक्त चार लोग मेरे कब्जे में हैं। हर 6 घंटे बाद मैं फोन करूंगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैं किसी को बोल सकता हूँ कि वो मेरी मालिश करे, उसके बाद मैं इन सबकी खोपड़ियां उड़ा दूंगा। तो गेम शुरू करें क्या? अरे बच्चे, मैंने पूछा कि गेम शुरू करें क्या? कितनी प्यारी आवाज थी ना। हाँ देख, मैं एक कोल्ड ब्लडेड किलर हूं, लोगों को मारना मेरा काम है। 3 लोग अभी भी बचे हैं तो काम पे लग जा। ये सैलेड बहुत ही बकवास है, किसने बनाया? ठीक है बहानेबाजी बहुत होगी, काम पे लग जा। ये क्या मजाक बना रखा है? कटर, कटर, तो अब आप क्या करने वाले हैं? मेरी बात सुनो कटर, तुम वहीं रुको, मैं वहां आ रहा हूं। तुम जो भी जानती हो मुझे सब कुछ अभी बता दो। तुम जल्द से जल्द ये नंबर ट्रेस करो। इस वक्त कटर इस केस का इकलौता सॉलिड लीड है। केन, मैं चाहता हूं तुम ये केस हैंडल करो, अब हम 1 सेकंड भी देर नहीं कर सकते। अगर ये केस मेरा है तो अपनी टीम में खुद चुनूंगा। वो जानते हैं कि ये केस कितना सेंसिटिव है सर, वो शांत रहना जानते हैं, ये मेरी टीम की खासियत है सर। जो चाहे करो। पर्सनल से बात कराओ। सब मारे जाएंगे तेरे दोस्त की तरह, सब मारे जाएंगे तेरे दोस्त की तरह। हट! तो गेम के सारे रूल्स लिख ले। पहला, मीडिया को कोई खबर नहीं करेगा। दूसरा, तू ये बताकर किसी की भी मदद नहीं लेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि FBI वाले मेरे पास आए। अगर ऐसा हुआ तो सब मारे जाएंगे तेरे दोस्त की तरह, समझ गया? और आखिर में मुझे 10 करोड़ चाहिए, ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। 4 लोगों की जान की कीमत इतनी तो होती है। और हाँ, तुझे बताना भूल ही गया, इस वक्त 4 लोग मेरे कब्जे में है। मैं हर 6 घंटे बाद फोन करूंगा, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मैं किसी को कहूँ कि वो मेरे शरीर की मालिश करे। मैं सब कोड़ा दूंगा, ठीक है ना? तो अब गेम शुरू करें बच्चे। मैंने कहा कि अब गेम शुरू करें क्या? इन हॉस्टेजेस की सारी इन्फो कहां है? क्या इसका लैंडिस से कोई कनेक्शन है? ऐसा हमें शक है, लेकिन इसका डॉक्टर से संबंध होने का कोई सबूत नहीं है। जो है वो दिखाओ। पहला हॉस्टेज है एलन रोलिन, CEO फार्माकॉन्टेक। ये जाना माना बिलियनर है, 2 शादियां कर चुका है, 2 बच्चे हैं। इसका डेवियन से कोई संबंध नहीं है और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। अगला है फिल फिशर, ये हमारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव में से एक है। ये एक अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से आया है, शादीशुदा, कोई बच्चे नहीं। कॉलेज में इसके खिलाफ रिकॉर्ड है, लेकिन कोई मेजर गुना नहीं। तीसरी है जॉर्डन लॉरेंस, ये स्टेट और सुपीरियर कोर्ट जज है और एक्स नेशनल पेजेंट विनर। कोई रिकॉर्ड नहीं। और ढूंढो, कोई कनेक्शन नहीं है तो इन्हें किडनैप क्यों किया? डजंट मेक एनी सेंस। और जेंकिंस के बारे में कुछ पता चला? कोई सुराग? शायद मिल जाएगा मैम, हमारे एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट को रोक दो, इस वक्त सारी बाजी डेमियन के हाथ में है। उसकी बात मानने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। चलो कैप्टन रायन से मिलके जेनकिंस के बारे में सारी जानकारी निकालते हैं, शायद हमें कोई लीड मिल जाए।
और प्लीज कटर से अभी के अभी मेरी बात करवाओ। मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन है और क्या चाहते हैं। लेकिन वो लोग जानते हैं कि तुम कौन हो। ओके, शायद उनसे कोई गलती हुई हो या कुछ और बात हो सकती है, लेकिन एक बात साफ है, ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम्हारी बेटी उनके कब्जे में है और ये बिल्कुल मुमकिन है कि किसी भी वक्त वो उसे मार दे, समझ रही हो? तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, हिम्मत से काम लेना होगा। तुम अभी शांत हो जाओ, ओके? और तुम्हें जो भी पता है मुझे सब बताओ। दिस इज कटर। कटर, अगले कुछ घंटे तुम्हें वहीं रहना है। मैं तुम्हारे कैप्टन से बात करने वाली हूँ और उन्हें बताने वाली हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम डेमियन की डिमांड के आगे नहीं झुकेंगे। मैं समझ गया। डार्लिंग, आज रात तुम मस्ती करना चाहोगे? ए सुन, ए तुझसे बोल रहा हूँ, ए मेरा नुकसान क्यों कर रही है? यहाँ खड़ी रहकर क्या मच्छर मार रही है? उस कस्टमर को क्यों जाने दिया तूने? हैं? एक आदमी को नहीं पटा सकती? कितना क्या कर रहा है तू? ला मेरे पैसे दे। मेरे पास तेरे को ही पैसे नहीं है। बनने की कोशिश मत कर, ये ले और मार खाएगी। हैं? तेरे नखरे सारे नहीं जाते। छोड़ दे, मैं तेरा सर, मेरा सर फोड़ेगी, मेरा सर फोड़ेगी। ए हाथ तो लगा के दिखा, उठ खड़ी हो। उसे अकेला छोड़ दे। तूने मुझे धक्का मारा, चल निकल यहाँ से। तू मुझे धमकी दे रही है, जानती भी है मैं कौन हूँ? मेरे इलाके में मुझे ही धौंस दे रही है। ये मेरा इलाका है, समझा? तू हाथ पैर भी चलाती है। हे, तुमने मेरे आदमी को हाथ कैसे लगाया? ये कौन? कैसा लगा? तेरा दिमाग खराब है क्या? गलत जगह पे घुटना मार दिया इन्होंने। अरे पकड़ो इसे, ये पागल हो गई है। अरे मुझे क्यों पकड़ रहा है? अरे मुझे क्यों पकड़ रहा है? उसने मुझे मारा है, मैं तो बस यहाँ से चल के जा रहा था, मेरा कोई कसूर नहीं है। ओए, मैं कह रहा हूँ मेरा कोई कसूर नहीं है, उस पागल औरत ने मुझे मारा, वो भी गलत जगह पे। मेरी बात सुनो। चलो चुप रहो। मैं तो सैर करने निकला था खाना खाने के बाद। मेरी बात सुनो, वो देखो वो भाग रही है। हमें बेवकूफ समझते हो? साहब मैं कसम खा के कहता हूँ, आपने गलत आदमी पकड़ लिया है। वो बंदा खड़ा, चलो अंदर बैठ जाओ। साहब मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रही है। तुम्हारा जवाब नहीं, तुमने तो उसकी छुट्टी कर दी। हाँ बहुत मजा आ रहा था, लेकिन तुमने, खैर क्या खबर है? मुझे बस तुम्हें मिलकर ये देने के ऑर्डर्स हैं, बहुत जरूरी काम है। देखते हैं इतना जरूरी क्या है। ये लड़की कमाल की है। भाई तू इस लड़की के साथ रहा है क्या? मेरी बात सुन, तू काम की बात कब करने वाला है? अरे भाई काम तो चलता रहेगा, जल्दी किस बात की है? तू बता, लड़की को जानता है क्या? देख ब्रो, मुझे घर पर अपनी बीवी को जवाब देना पड़ता है। ठीक है यार, मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ। तुम कुछ नहीं समझ सकते, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। मेरी आंखों में देखो ना। हाँ देख रहा हूँ। आजा, नाम क्या है? बस 10 मिनट रो, 10 मिनट। भाई आज रात काम की बात ना हो पाएगी। कम ऑन रो, बस 10 मिनट का तो सवाल है। ओह तो तुम डांस करना चाहते हो? ठीक है ठीक है। एक मिनट बेबी, बिजनेस। ए रुक, तुम पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हो? देखा नहीं मैं बात करने की कोशिश कर रहा था? मैं कमीने को ढूंढ रहा हूँ, और वो भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दिखता है। तुम्हें क्या लगा तुम कभी भी कहीं भी अंदर घुसकर हमें उठा सकते हो? ए भाई शांत हो जाना यार,
ब्रो तुम्हें क्या लगता है मैं इन लोगों से डरता हूं? तो ये तुम सबका लीडर है? हां मैंने कुछ नहीं किया है। यू अंडर अरेस्ट। लेकिन इसने कुछ नहीं किया है फिर क्यों? और कोई ये गेम खेलना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें शांत रहने का अधिकार है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ देखो तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम लोग जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया है। कहना है कोर्ट में कहो। समझते क्यों नहीं हो? ये सब कोर्ट में साबित करना, हमें बताकर कोई फायदा नहीं। मैंने कुछ नहीं किया है। चलो चलो। यार बेवकूफ तो है ही वो, मैंने बोला था इतना गुस्सा क्यों कर रहा। मेरा ड्रिंक लेकर आना। पागल हो क्या? मेरा सर टेबल पर पटक कर ओवर स्मार्ट बनने की क्या जरूरत थी? देख हमें तुम्हें वहाँ से बाहर निकालना था, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। अगली बार ऐसी गलती मत करना। वैसे तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे तुझे बाहर लाकर ये देने को कहा है। इसमें क्या है? मुझे नहीं पता, खुद पढ़ ले। हंस क्यों रहे हो? तुम्हें बहुत मजा आ रहा है? हाँ बस थोड़ा सा। ये क्या है? मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन है। मैं उनमें से किसी को नहीं पहचानती। प्लीज मेरी बेटी मिकेला को ढूंढने में मेरी मदद करो। क्या बात है, सबको इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया तुमने? तुम सब जानते ही हो कि कल रात सेनेटर की पार्टी में क्या हुआ। खैर बात वहीं खत्म नहीं हुई। पार्टी में हमला करने वाले लोग एक साइंटिस्ट को किडनैप करने आए थे, डॉक्टर लैंडिस नाम के साइंटिस्ट को। तो अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? कुछ खास नहीं। अगर हमने लैंडिस को उनके हवाले नहीं किया तो हर 6 घंटे में वो एक हॉस्टेज को मारने की धमकी दे रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें बचाना ही होगा। और याद रखना, हम टेररिस्ट के साथ सौदेबाजी नहीं करते। फिस्क, ऑबरी, आप दोनों अंडरकवर काम कर चुके हो, तो आपके पास इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क भी होगा। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि ये खतरनाक हथियार कहाँ से आ रहे हैं। कॉपी दैट। एप्स तुम इनके साथ जाओ। लैंस तुम मेरे साथ रहोगे। तुम, मैं और कटर डॉक्टर लैंडिस से पूछताछ करेंगे, क्योंकि तुम इस काम में माहिर हो। तो चलो काम पर चलते हैं। यहाँ के कैमरास कहाँ हैं? मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं हूं। अपनी गन नीचे करो। जाओ मुंह धोकर आओ, हमें बहुत काम है। प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। डॉक्टर लैंडिस का क्या हाल है? वो बिल्कुल ठीक लग रही है, बस अपनी बेटी की बात करती है। एनीथिंग एल्स? नहीं, हम बस इन्फॉर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। इसने कुछ बताया नहीं कि वो लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं सर, उसका कहना है कि वो नहीं जानती ये लोग उसे क्यों पकड़ना चाहते हैं। हे, चैनल 6 लगाओ। चैनल 4 आपके लिए लेकर आया है सीनेटर एब्राहम के पार्टी में हुए हमले का एक्सक्लूसिव सिक्योरिटी फुटेज, जिसमें कई लोग मारे गए और जख्मी हुए थे। अब हम आपको दिखाएंगे कल रात हमले के दौरान पार्टी में क्या हुआ था। पेरेंट्स ध्यान रखें, बच्चों को ये फुटेज देखने दें। समझ नहीं आ रहा यह सब कैसे हो गया। तो अब बाकी हॉस्टेजेस का क्या होगा? कुछ कह नहीं सकते। ये वही है, उसी का कॉल है, इसे रिकॉर्ड करो, ट्रैक करो। दिस इज कार्डा। Hey, मुझे पहचाना? न्यूज तो देखी होगी तूने। तो जरा बता कि मेरा पहला रूल क्या था। मेरी बात सुनो, तुम कुछ मत करना, ओके? हमें बस कुछ और वक्त चाहिए। क्या था मेरा पहला रूल? मेरी बात सुनो, तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हारा कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। हम बस सबको सुरक्षित बाहर निकालना चाहते हैं, ओके? प्लीज तूने
मेरा दिमाग खराब कर दिया। तुझसे मैंने कहा था ना कि मैं कोल्ड ब्लडेड किलर हूँ, कहा था ना? देखो तुम्हारा काम करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा और वक्त मिलेगा तो मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा सुन, रूल्स किसने बताए थे? मैंने बताए थे ना, तो फिर अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी, सिर्फ तेरी। अच्छा बता, तो आप किसे टपकाऊं? उस बूचर को या उस कैंडल मेकर को या छोटी सी बच्ची को, हाँ? या फिर तुझे? तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, तुम किसी को नहीं छोगे, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। ओ कटर, खेल खत्म। प्लीज मुझे एक और मौका दो। लोकेशन मिल गई है सर। बहुत देर हो गई। हेलो डॉक्टर, मैं हूं सर्जन केन, ये है ऑफिसर लैंस और आप ऑफिसर कटक को तो जानती ही हैं। न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल डॉक्टर? क्या आपकी स्पेशलिटी डॉक्टर, न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल? ए एक बात समझ लो, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि जब डेमियन जैसे लोग इतनी तैयारी के साथ हमला करते हैं ना, खासतौर पर तुम जैसे लोगों पर, तब हर बार वो बस दो ही चीजों तक पहुंचना चाहते हैं, हर एक बार, न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल वेपन्स। आपके पास ऐसा क्या है? बायोलॉजिकल। ओके, लेकिन मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये लोग हैं कौन, और मुझे ये बताइए कि वो लोग आपसे क्या चाहते हैं? मुझे नहीं पता। क्या मतलब, मैं नहीं जानती? नहीं पता? तुम आखिर चाहती क्या हो? जानती हो अगर तुमने मुंह नहीं खोला तो लोगों की जान जा सकती है? हमारी मदद करो प्लीज। चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाओ? मैं कहता हूं मुंह बंद करो अपना। शांत हो जाओ, अगर कुछ बुरा हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है। कैरेट आंखों के लिए अच्छा होता है, खाना चाहिए। सुना कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, और वो भी जल्द से जल्द। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। ये बात तुम थोड़ी इज्जत से भी कह सकते थे। अब जल्दी मेरे फायदे की बात करो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा, समझा? क्या इज्जत दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, बाकी पैसा वो मिल जाएगा। लेकिन बिजनेस की बात करने से पहले इन्हें भगाओ। ए, रुक जाओ, मैं समझ गया। ठीक है, हम प्राइवेटली बात करेंगे जैसे इन्हें बाहर ले जाओ। आ जाओ, बात करते हैं। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जानकारी चाहिए थी। कल रात कुछ लोगों ने सीनेटर की पार्टी में हमला किया, और वो भी खतरनाक हथियारों के साथ। तुम इस बारे में कुछ जानते हो? नहीं, मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन कुछ नहीं जानता।
तो उन्हें वो हथियार कहां से मिले? मुझसे तो नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं सनकी और साइंटिस्ट दोनों से दूर रहता हूं। देखो मेरा एक काम करो, अच्छा छोड़ो, यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे बिजनेस को अनदेखा कर दूंगा और बदले में तुम मुझे पूरी जानकारी दे देना। मुझे मंजूर है? मंजूर नहीं करना होगा। और हां फिस्क, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, मैं ये याद रखूंगा। याद रखना। केन, बोलो क्या प्रोग्रेस है? बहुत अच्छे, टीम ने कॉल ट्रेस कर लिया है और इस वक्त वहां रेड करने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब लैंडिस को उसकी बेटी के बारे में पता है? पता चलना ही था। देखो वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है, वो टीम के साथ रेड पर जाना चाहती है। तुम जानते हो हम ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकते। उसे मनाने का कोई तरीका ढूंढ निकालो, हमें हर हालत में उसका मुंह खोलना होगा, समझे? शायद नहीं, उसका कोई भी करीबी अब इस दुनिया में नहीं है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, हम बच्ची के पिता को अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं। वो जिद कर रही हैं हम उसे उनके हवाले कर दें। माइक, हम ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकते। जानता हूं, उम्मीद करता हूं तुम और केन इसको सुलझा दोगे। मुझे आज रात की कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है, मैं ये मामला तुम पर छोड़ रहा हूं। और हां माइक, मुझे निराश मत करना। हमें खबर मिली है कि लोकल पुलिस ने डेमियन का फोन ट्रैक किया है और उस पर रेड मारने जा रही है। डेमियन को पकड़ना इतना आसान नहीं है, वो ऐसी बचकानी गलतियां नहीं करता। हमारी ब्रावो टीम पीछे वाली और साइड एंट्रेंसेस कवर करेगी, उन्हें बाहर आने से रोकेगी और हमारी मदद करेगी। इस दौरान टीम अल्फा मेन एंट्रेंस से अंदर घुसेगी। हाय, गुड इवनिंग मैम, मैं आपके लिए कॉफी लाया। तैयारी पूरी होने पर ब्रावो स्मोक ग्रेनेड्स डेटोनेट करके अंदर घुसने में हमारी मदद करेगी। कॉफी वाकई अच्छी है। चीयर्स। चीयर्स। सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन पूरा दिन मुझे एक रूम में रहने की आदत नहीं है, और तुम तो मुझ पर नजर रख रहे थे, है ना? हाँ यही मेरा काम है। एक मिनट रुकिए। क्लियर क्लियर क्लियर। यहां कोई नहीं है। हमने देर कर दी। तुम ये क्या कर रही हो? वो फिर से भाग निकला। Thank you.
सुनो, मैं अभी सेफ हाउस से बच निकली हूँ, तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। मेरी मिकाइले से बात करवाओ। उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। वो यहाँ कभी था ही नहीं, वो बस यहाँ इस हॉस्टेज की बॉडी रखकर चला गया। मैं उसकी डिमांड्स के बारे में जानती हूँ, मैं टेप सुन चुकी हूँ, लेकिन डेमियन के साथ कुछ भी इतना आसान नहीं होता। मेरे एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जरूर कोई दूसरा प्लान होगा। उसने जानबूझकर पार्टी से वीआईपीस को किडनैप किया है ताकि हम उसकी डिमांड सीरियसली लें और उसकी सारी बात मान लें। मैं तुम्हें बस कुछ और घंटे दे सकती हूँ, उसके बाद मुझे केस अपने हाथ में लेना होगा। जॉन, मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो? यहाँ क्या हुआ है? वो जॉन, होश में और मुझे बताओ यहाँ हुआ क्या है? वो उस रूम से बाहर कैसे निकली? कहाँ है वो? I'm sorry, ये मेरी गलती है। उसने फंसाया, एक सेकंड के लिए मेरा ध्यान हटा, उसने मुझे कॉफी पॉट से मारा और उसके बाद वो भाग गई। और लेकिन उसे कॉफी पॉट कहाँ से मिली? मैंने कॉफी बनाई, मैंने सोचा उसे भी दे। पागल हो गए हो? मुझे नहीं पता था वो इस रूम में है, वो फिर मुझे मार कर यहाँ से चली गई। इस रूम से बाहर कैसे निकली? मुझे नहीं पता, रूम पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। नजर रखने वाला कोई नहीं था? तुम उस पर नजर नहीं रख रहे थे? तुम पागल हो गए हो क्या? सब मेरी गलती है, I'm sorry। हम किसी भी हालत में उसे ढूंढ लेंगे। God damn it! उस कमीने ने हमें बेवकूफ बनाया। कारण? सर, डॉक्टर लैंडिस ने जॉन को बेहोश किया और वो कार लेकर भाग गई है। मेरे ख्याल से वो डेमियन के पास जा रही है। मुझे फोन दो। कारण, अब सिर्फ दो हॉस्टेजेस बचे हैं और हमारे पास उसे पकड़ने के लिए सिर्फ 12 घंटे हैं। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, ओके? सुनिए, जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम खुद सोचो, अगर उन्होंने हॉस्टेजेस के फोन लिए थे तो डॉक्टर लैंडिस के पास फोन कहाँ से आया? उन्होंने सबके फोन बैग में डाले थे, तो डॉक्टर लैंडिस का फोन क्यों नहीं लिया गया? कटर, अब मुझे ये केस अपने हाथ में लेना होगा। तुझे पैकेज मिला? खास तेरे लिए तो भेजा था मैंने। हाँ, मुझे तुम्हारा पैकेज मिला और बहुत जल्दी मैं भी तुमसे मिलूंगा। सी यू। तेरी औकात नहीं, कभी नहीं पकड़ पाएगा मुझे। तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। टिक टक टिक टक टिक टक, रखता हूँ बच्चे। बेवकूफ। मैं इस वक्त जॉन के कार की लोजैक सिस्टम ट्रैक कर रहा हूँ, कभी भी उसकी लोकेशन का पता चल सकता है। तो बैकअप रेडी करो, हमारे आदमी रेडी करो और जल्द से जल्द मुझे लोकेशन पर मिलो। हे, तुम तैयार हो? जल्दी करो, हमें अपनी फ्लाइट पकड़नी है। हाथ जल्दी चलाओ, जल्दी करो। आराम से, कोई पीछे तो नहीं आया? हाँ नहीं, मैंने मौका ही नहीं दिया। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, ऑलराइट? लेकिन अगर कोई चालाकी की तो बूम। प्लीज, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। प्लीज, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। अपने टारगेट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ो। टारगेट की लोकेशन है मेन स्ट्रीट के साउथ में तीसरा ब्लॉक। आई रिपीट, सारे यूनिट्स ध्यान दीजिए, हम टारगेट पर रेड मारने जा रहे हैं। लोकेशन है मेन स्ट्रीट के साउथ में तीसरा ब्लॉक। This is Special Agent Melanie Hamlin, badge number Alpha Delta 0735441. मुझे तुरंत air support की जरूरत है। हमारा target है Damien White, local police पहले ही raid के लिए यहाँ से निकल चुकी है। समझ गया, सारे अवेलेबल यूनिट्स भेज दो। लैंड्स, वहां पहुंचते ही तुम ऊंची जगह पर पोजीशन ले लेना, समझ गए? जरा वो सिक्योरिटी फुटेज चलाना। ये तो डॉक्टर लैंडिस है।
मुझे पता था ये डिमांड सिर्फ एक दिखावा है। सर, आप आगे बढ़ो, मैं कवर करता हूं। चलिए आ जाइए। कम ऑन लैंस। निक, तुम यहीं पर रुको और कवर ले लो। ओके, ठीक है सर। पुलिस वाले स्नाइपर साथ में लाए। सिटी हॉल को इसी वक्त खाली करवाओ। नाउ। बायो वेपन, ये नहीं हो सकता। कम ऑन लैंस, जल्दी करो। कम ऑन। हॉस्टेजेस को लाना होगा वरना हम मारे जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेट्स गो। लैंस, तुम्हें डेमियन दिखे तो उसे शूट कर देना, समझ गए? मेरी स्कोप को गोली लगी है, मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगा। क्या कर रहे हो? हमें ऊपर जाना होगा। अब मैं लीड करती हूँ। मुझे आगे जाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मजाक मत करो, मैं आगे जा रही हूँ। ठीक है ना? फिर कभी ये सवाल मत करना, जाओ। किस तरह के वेपन की बात कर रही हो? मैं सारी स्कीमैटिक्स इकट्ठा करके तुम्हें भेज रही हूं। इस बिल्डिंग में लगभग 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। उन्हें बाहर निकालकर सुरक्षित जगह में ले जाने के लिए वक्त नहीं है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। मूव। एक्सक्यूज मी एवरीवन। यहाँ आने के लिए आप सबका शुक्रगुजार हूं। मैं जानता हूं तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है, तो सोच समझकर फैसला करो। जरा ये उन्हें दे देना प्लीज। देख देख अपनी गन नीचे रख दो अभी के अभी। उस दिन गोली से बच गया तू। मेरा अगर बस चले तो मैं अभी गोली मार दूं। प्लांस टू कटा, डेमियन इस वक्त रूफ पर है, डू यू कॉपी? मैं इसे संभालता हूं, तुम डेमियन को पकड़ो। दम है तो मुकाबला कर। ठीक है, वैसे भी आज मैंने वर्कआउट नहीं किया था। चलो दो दो हाथ हो ही जाए। पंगा लेगा तो यही होगा। केन बोल रहा हूं, मुझे सेनेटर मिल गए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप सबको अभी इसी वक्त ये बिल्डिंग खाली करनी होगी। ये कोई ड्रिल नहीं है, इस बिल्डिंग के अंदर एक बॉम्ब है। घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द बिल्डिंग से बाहर निकलिए। लेट्स गो सब, जल्दी बाहर निकलिए, बिल्डिंग खाली कीजिए, जल्दी करो। आखिर ये सब क्या हो रहा है माइक? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हमें अभी ये बिल्डिंग खाली करनी होगी। डॉक्टर लैंडिस ने यहाँ बायो वेपन प्लांट किया है और वो 6 मिनट में डेटोनेट होने वाला है, तुम समझ रहे हो? सुनो, तुम यहाँ से बाहर निकलोगे इसी वक्त। बायो वेपन? मुझे लगा तुम्हारी टीम ने इस बिल्डिंग को अच्छी तरह सर्च किया था। तुम जरा चुप रहोगे? जाहिर है उन्हें वो नहीं मिला। अब सबको इस बिल्डिंग से बाहर निकालो। हैजमैट यूनिट को कॉल करो और एरिया सिक्योर करो। प्लीज सेनेटर, आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। जाओ, निकलो, इस बिल्डिंग में बॉम्ब है, चले जाओ। जा रहा हूँ। दिमाग खराब कर दिया। जरूर यही बॉम्ब होगा। डेमियन, अपनी गन नीचे रख दो और सरेंडर। अच्छा, कर दो। अच्छा बेटा, सरेंडर कर दो। ले किया।
अरे यार ये बॉम्ब को डिफ्यूज करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ऑलराइट, हियर वी गो। ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूं। हियर वी गो। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, मेरी पैंट गीली होने वाली थी लेकिन मैंने कर दिखाया। मुझे लगा था मैं तो गया। अपने पार्टनर को अलविदा कहना कभी आसान नहीं होता, क्योंकि मेरे लिए मेरा पार्टनर भाई से बढ़कर था। मैं सैम से ट्रेनिंग के दौरान मिला था और मेरे लिए वो सबसे बहादुर ऑफिसरों में से एक था। उनकी हिम्मत और बहादुरी को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। सैम, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे और हम ये भी नहीं भूलेंगे कि तुमने इस शहर और उनके लोगों के लिए अपनी जान दी थी। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे और मुझे यकीन है सैम कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। लो ये तुम्हारे लिए, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाती। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं हूं। अपना ख्याल रखना। हाँ, यस सर। बेबी मैन के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुकोगे? आई बी बैक सून। क्या आप ठीक है मिसेस हिक्स? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। यू श्योर? सब ठीक हो जाएगा। आप यहाँ आकर बैठती क्यों नहीं? आप यहाँ बैठ जाइए, स्टेसी बस आती होगी, थोड़ी देर वेट करिए। ओके। लॉस एंजेलिस के एक गोदाम पर रेड मारी। ये गोदाम व्हाइट के इस शहर में मौजूद कई अड्डों में से एक था। पुलिस को उम्मीद थी इस रेड के दौरान उन्हें डॉक्टर क्लेयर लैंडिस और उनकी बेटी मिकेला मिल जाएगी, जो पिछले हफ्ते हुई सीनेटर एब्रम्स की पार्टी से गायब हुए थे, लेकिन वो दोनों अभी भी मिसिंग है। अगर आपको इन दोनों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो प्लीज स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कीजिए। हेलो क्रिस्टोफर, जानते हो हमने वहाँ हमला क्यों किया था? क्योंकि वो लोग मेरी रिसर्च रोक देना चाहते थे। लेकिन तुम यहाँ तक पहुंची कैसे? बहुत लंबी स्टोरी है, बिलीव मी। यहाँ सब ठीक है ना? तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो। मुझे सच में ऐसा लगा कि किसी ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। चलो अब खेलते हैं एक गेम।